नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और चर्चा करते हैं एक बहुत ही प्यारे से सेशन में। आज अपना ये जो यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा एवं बैंकिंग, इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अपना इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और रीट के अंदर सबसे ज्यादा समझने वाला जो टॉपिक है वो भी यही है, यानी ऐसा टॉपिक जिसको समझने में आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, या फिर समझाने में जो टीचर से आप पढ़ोगे उसको समझाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन नॉन कॉमर्स जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हम जैसे को भी ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझाने में। लेकिन हमने इस टॉपिक को आज पूरा कर लेना है। हमने पढ़ लिया है मुद्रा बैंकिंग क्या है, हम साख की विभिन्न स्थितियों को बस थोड़ा सा बचा हुआ है 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे, और आज स्वयं सहायता समूह को भी जो है कंप्लीट करके इस यूनिट को जो है पूरा करेंगे। कल स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम सेशन नहीं कर पाए थे, लेकिन आज एक बार फिर से आप सबके साथ, आप सबके साथ मिलकर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जया सैनी जी, मीरा मीना जी, जितेंद्र जी, मूलचंद जी और कुलदीप बिश्नोई जी, आप कैसे हैं? आ जाइए सारे बच्चे, फिर करते हैं शुरुआत। जब कोई काम मन से किया जाता है ना तो उसमें मेहनत का पता नहीं चलता है, और जब किसी काम में मन लग जाता है तो वो काम हमने कितनी देर किया, कितने घंटे किया, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कोई युवा लड़का है और इसे उसे प्यार हो जाता है किसी युवा लड़की से, या किसी युवा लड़की को किसी युवा लड़के से प्यार हो जाता है, तो उन्हें पता नहीं चलता कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। वो 24 घंटे भी फोन पर बात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि वहां मन लग जाता है। तो इसी प्रकार अगर हमारा मन लग जाए किसी काम में, यानी अगर हमारा मन, हालांकि प्यार करनी भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो समय है वो करियर का है, वो अपने आप को साबित करने का है। तो अगर पढ़ाई में हमारा मन लग जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, और फिर आप कितने, आप ये नहीं देखोगे, टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना कि मैं इतना बजे तक पढ़ूंगा, इतना बजे तक खाना खाऊंगा, इतना से इतना बजे तक खेलने जाऊंगा, फिर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, फिर तो घर वाले कहेंगे बेटा खानो खा ले, है ना, टाइम हो गयो, 2 मिनट बाहर घूम ले गए, कमरे ही कमरे में बैठे रहोगे। तो बस यही करना है और सफलता आपको मिल जाएगी। चलिए ये तो बात हो गई, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं किसके बारे में, अपने टॉपिक के बारे में। लास्ट सेशन में हमने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट सेशन में हम चर्चा कर रहे थे कि साख को नियंत्रित कैसे किया जाए, और उसके अंदर हमने समझा कि साख को नियंत्रित करने के जो है वो दो तरीके के उपाय हैं, मात्रात्मक उपाय हैं, गुणात्मक उपाय हैं। मात्रात्मक उपाय में वे उपाय आते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख की मात्रा को प्रभावित करती है, और गुणात्मक उपाय के अंदर वे आते हैं जो उचित क्षेत्र में लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, यानी साख के प्रवाह को नियंत्रित करती है। साख के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं वो किस में आते हैं? गुणात्मक परिवर्तन में, और जो साख की मात्रा में नियंत्रण करते हैं वो मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। इसमें हमने बैंक दर में क्या करना है ये हमने समझ लिया था कि अगर बैंक दर होती क्या है, पहले तो ये समझ लो फिर से, जिनको कल समझ में नहीं आया था वो बच्चे, यानी लास्ट सेशन में जिनको नहीं समझ में आया था, बैंक दर क्या होती है? आरबीआई दीर्घकालीन समय के लिए, यानी आरबीआई लंबे समय के लिए अगर किसी व्यापारिक बैंक को लोन देता है तो वो ब्याज लेता है बदले में। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया 200 करोड़ का और 50 वर्ष के लिए दिया,
तो आरबीआई कहेगा कि भैया ठीक है 50 वर्ष के लिए लोन लेके जाओ तुम, लेकिन आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा। तो वो जो 5% का दर लगा है ब्याज का, इंटरेस्ट का जो दर लगा है, वह जो दर है वो क्या कहलाती है? बैंक दर। अब आरबीआई को क्या करना है? नियंत्रित करना है किसे? मुद्रा को, या फिर मांग को नियंत्रित करना है, या फिर ऐसे कह लीजिए साख को नियंत्रित करना है। तो क्या करेगा? आरबीआई के सामने ये कंडीशन है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई है, और मार्केट की स्थिति कैसी हो गई है? अधिमांग की स्थिति हो गई है, अर्थव्यवस्था के तेजी की स्थिति हो गई है, मुद्रास्फीति की स्थिति हो गई है, या महंगाई बढ़ गई है। ये सारे एक ही शब्द के जो है वो एक दूसरे के अर्थ सेम ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा आरबीआई जो है वो बैंक दर को बढ़ा देगा। पहले वो कितने रुपए में दे रहा था? 5% में दे रहा था 200 करोड़। अब वो कहेगा भैया 7% लगेगा। एसबीआई को बोला आरबीआई ने कि 7% लगेगा। एसबीआई कहेगा 200 करोड़ नहीं चाहिए साहब, 100 करोड़ ही दे दो, क्योंकि 7% में तुम्हारा घाटा हुआ है। कितना दे दो? 100 करोड़ दे दो। यानी जैसे ही आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ाया, व्यापारिक बैंकों ने आरबीआई से पैसा लेना कम कर दिया। और जब बैंक, व्यापारिक बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो लोन कम देंगे, और लोन अगर कम देंगे तो फिर क्या होगा? मार्केट से पैसे की कमी आएगी, और जब मार्केट से पैसे की कमी आएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और स्थिति जो है वो सामान्य आ जाएगी। जो अधिमांग की स्थिति बनी थी वो अब क्या आ जाएगी? धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। और अगर मार्केट धीमा चल रहा है, अगर मार्केट चल रहा है ठंडा, जैसे कोरोना के टाइम में मार्केट ठंडा हो गया था क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई क्या करेगा? ये जो बैंक दर है इसको क्या कर देगा? कम कर देगा। भाई आरबीआई पहले दे रहा था 5% लोन, 5% पर दे रहा था लोन, यानी 5% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा था। आरबीआई कहेगा व्यापारिक बैंकों को फोन करके कि यार तुम लोन लो ना मुझसे। बोले साहब फिर तो लोन की इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। बोले मैं कम कर रहा हूं, पहले 5% लेता था, अब तुमसे 3% लूंगा। तो आरबीआई जब 3% पे देगा तो बैंक फिर सामान्य जन, बैंक बहुत ज्यादा लोन ले लेगी उससे, और जनता को लोन दे देगी सस्ते में। जनता को लोन सस्ते में देगी यानी जनता को कम इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, तो जनता लोन लेगी। जनता का अर्थ यहां पर क्या है? सामान्य लोग प्लस व्यापारिक लोग प्लस उद्योगपति, ये सब आते हैं, ठीक है। तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो मार्केट ऊपर उठेगा। ये संतुलन करने का तरीका हमने समझा था। इसके बाद इसी तरीके से रेपो रेट होती है। रेपो रेट किसे कहते हैं? जिस ब्याज पर आरबीआई अल्पकालीन ऋण देता है। अल्पकालीन ऋण यानी थोड़े समय के ऋण, थोड़े समय के लिए जो लोन देता है उस पर रेपो रेट लगती है। तो रेपो रेट की और बैंक दर की कंडीशन सेम ही होगी, ठीक है। दोनों में ही जो है वो क्या करेंगे? दर जो है वो बढ़ा देंगे और घटा देंगे। इसके बाद देखिए रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त कोष जो आरबीआई के पास रखा जाता है, आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त कोष जो आरबीआई के पास रखा होता है जिस पर वह ब्याज देता है, यानी बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, और बैंक के लिए यह रूल है कि बैंक अपने टोटल जो पूंजी है उसका कुछ परसेंट वो आरबीआई के पास जमा रखेगा। अब आरबीआई जमा क्यों रखता है? बैंक की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। मान लो हमने सबने पैसे जमा करा दिए बैंक में, अब बैंक तो भाग गया, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई कुछ पैसा अपने पास रखती है ताकि बैंक के ऊपर वो नियंत्रित करे। जैसे इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूं मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया था एक महीने पढ़ाने, 2014 की बात है, ठीक है। हमारे क्षेत्र का थोड़ा ऐसे बड़ा स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और मैं वहां पर मैं चलो पढ़ाएंगे आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी कंडीशन रहेगी। मैंने कहा क्या? हम एक महीने की सैलरी आपकी हमारे पास जमा रखेंगे, हम एक महीने की सैलरी आपकी हमारे पास जमा रखेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप चले ना जाओ बीच में छोड़कर।
आप ज्यादा आनाकानी ना करो। तो मैं समझ गया कि यहाँ मामला खट्टा है। तो मैं लगभग 15 दिन काम किया, फिर मुझे उनका सिस्टम पता चल गया। मैंने कहा भैया 15 दिन के पैसे छोड़ता हूँ और आप थे धारर में मेरे। तो आरबीआई भी ठीक ऐसे ही करता है, वो कुछ पैसे अपने पास क्या रखता है, जमा रखता है, ताकि जो बैंक है उसकी शर्तें वगैरह मानता रहे। ठीक है, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यानी मैं एक बैंक हूं, मैं SBI हूं और आप क्या हो, RBI हो। मेरे पास 800 करोड़ रुपए हैं, तो मैं इसमें से 100 करोड़ रुपए RBI में जमा रखूंगा, लेकिन मैं पॉकेट में थोड़ी रखूंगा भाई, पॉकेट में थोड़ी रखूंगा मैं भी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लूंगा। तो मैं RBI से अब पैसे लूंगा कि भैया मैंने तुम्हारे पास 100 करोड़ रख रखे हैं, मुझे तुम क्या दोगे, 5% जो है वो इंटरेस्ट दोगे 100 करोड़ का। ठीक है, अब मान लीजिए कि देश के अंदर क्या हो रहा है, अधिमांग की स्थिति बन रही है, देश के अंदर अधिमांग की स्थिति बन रही है, देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, RBI को उसे नियंत्रित करना है, मुद्रास्फीति की स्थिति को RBI को नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करने के लिए वो क्या करेगी, ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये जो रिवर्स रेपो रेट है, इसको वो क्या करेगी, बढ़ा देगी। मान लीजिए पहले किसी बैंक से 5% लेती थी ये, ठीक है, कि भैया तुम मेरे पास पैसे जमा रखोगे तो मैं तुम्हें 5% क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, लेकिन चूंकि देश के अंदर मुद्रास्फीति की स्थिति है, महंगाई बढ़ चुकी है, अधिमांग की स्थिति है, तो RBI क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, RBI इसको 7% कर देगा, है ना, या मान लो 10% कर देगा, यानी जितना है उससे ज्यादा कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो बैंक क्या सोचेगा, व्यापारिक बैंक, कि यार RBI अपने को ज्यादा पैसे दे रहा है इंटरेस्ट के, तो वो अपना ज्यादा धन जो है वो कहां रखेगा, RBI में रखेगा, और जनता को लोन कम देगा और RBI में पैसे ज्यादा रखेगा। इससे क्या हो जाएगा, व्यापारिक बैंकों का पैसा कम हो जाएगा, और व्यापारिक बैंकों का पैसा कम हो जाएगा तो बैंक लोन नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे तो पैसे मार्केट से कम हो जाएंगे, और मार्केट से कम हो जाएंगे तो फिर मांग की स्थिति जो है, अधिमांग की स्थिति है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और इसी प्रकार ठीक इसका उल्टा, अगर मांग कम है तो RBI क्या करेगा, इसकी इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम करेगा तो व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, RBI में पैसा जमा कराने की जगह उद्योगपतियों को लोन देंगे, सामान्य लोगों को लोन देंगे, जनता को लोन देंगे, इससे जनता के पास पैसा आएगा और जनता और ज्यादा जो है वो क्या करेगी, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी, और इससे फिर जो है वो अभावी मांग की स्थिति को जो है वो क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप बता देना, और निसंकोच होके बताना, जहां लगे कि नहीं समझ में आ रहा है वहां पर। इसके बाद देखो, यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था, फिर है खुले बाजार की प्रक्रिया। खुले बाजार की प्रक्रिया में क्या आता है कि RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां, जैसे RBI के पास सरकार, क्योंकि RBI क्या है, सरकार का बैंक है, यानी सरकार का बैंक है RBI, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो। तो RBI क्या करता है, जितनी भी सरकारी कंपनीज होती है, जैसे BSNL क्या है, सरकारी कंपनी है ना, आप BSNL हो गया, भारतीय रेल हो गया, इस प्रकार की जो सरकारी कंपनियां हैं उसके शेयर जो होते हैं, उसके जो शेयर होते हैं, देखना कि RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंक को बेचना खरीदना खुले बाजार की प्रक्रिया कहलाती है। RBI क्या करेगा कि व्यापारिक बैंकों की मीटिंग लेगा और कहेगा कि हम BSNL के शेयर बेच रहे हैं, सस्ते में खरीद लो, हम सरकारी प्रतिभूतियां बेच रहे हैं, आप खरीद लो। व्यापारिक बैंक सोचेंगे यार इधर पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, अधिमांग की स्थिति में, अधिमांग की स्थिति में प्रतिभूतियां बेच देगा। RBI जो है, जिसके पास जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनकी प्रतिभूति है, प्रतिभूति मान लीजिए शेयर, उनके शेयर वो किसे बेच देगा, व्यापारिक बैंकों को बेच देगा। अब व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, क्योंकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, SBI से वो प्रतिभूतियां खरीदेंगे, SBI से खरीदेंगे,
एसबीआई से नहीं, सॉरी आरबीआई से, आरबीआई से खरीदेंगे तो वो सारा पैसा कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, और बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, बैंकों के पास पैसा कम होगा तो बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, इससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और अधिमांग की स्थिति का डाउन आ जाएगा, मार्केट जो है नीचे आ जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचा है, मार्केट के अंदर जो है वो अभावी मांग चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, आरबीआई कॉल सब बैंकों की मीटिंग लेगा कि भैया तुम अपनी जो प्रतिभूतियां खरीदी हुई है, तुमने जो शेयर खरीद रखे हैं, हम उनकी रेट बढ़ा रहे हैं और तुम वो हमें बेच दो, तो वो सारे के सारे जो है वो शेयर क्या कर लेगा, आरबीआई खरीद लेगा। आरबीआई शेयर खरीदेगा तो पैसा किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। अब बैंक पैसा अपने पास थोड़ी रखेगी, बैंक तो जनता को लोन देगी, उद्योगपतियों को लोन देगी और मार्केट में पैसा आ जाएगा। तो बस आपको याद क्या रखना है, आपके दिमाग में तीन दिन से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, गुरु जी समझ में नहीं आ रहा, सगड़ा में आप बढ़ा रहे हैं और सगड़ा में घटा रहे हैं, यानी सबका लगभग एक जैसा ही है। वास्तव में ऐसा है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक दर क्या है, आरआर क्या है, ट्रिपल आर क्या है, बाजार की खुली प्रक्रिया क्या है। आपको यहां ये टॉपिक हो सकता है कि थोड़ा लग रहा हो कि सरल है, हम सब में कोई भी पूछे हम तो कह देंगे बढ़ा देंगे, पेपर में पूछा जाएगा कि पेपर में एक क्वेश्चन आएगा और बहुत ज्यादा चांस है कि यहीं से पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बाजार के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति है, आरबीआई को अधिमांग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट में क्या करना होगा, और ऑप्शन आपके पास आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, यह उत्तर सही होगा। बस ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो एक बार समझ में आ गया तो काम बन जाएगा। इसके बाद आता है वैधानिक कोष अनुपात यानी सीआरआर, रिजर्व रेशियो, ठीक है। सीआरआर क्या होता है, CRR ये कहता है कि RBI जो है, RBI कुछ पैसा, एक मिनिमम सिक्योरिटी पैसा रखता है ना, सिक्योरिटी पैसा रखता है किसका, बैंक का। जब भी कोई नया बैंक खुलता है उसकी टोटल कैपिटल का कुछ परसेंट एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखता है और उस पर वो इंटरेस्ट देता है, तो ऐसी ऐसे पैसे को क्या कहा जाता है, सॉरी ऐसे पैसे को क्या कहा जाता है, जो कि व्यापारिक बैंक को कुल जमा राशि का भाग आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे हम कहते हैं सीआरआर। तो सीआरआर में क्या परिवर्तन करेगा वो, अगर अधिमांग की स्थिति है तो सीआरआर बढ़ा देंगे और अगर अभावी मांग की स्थिति है तो सीआर घटा देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है वैधानिक तरलता अनुपात जिसे एसएलआर कहते हैं। एसएलआर ये होता है कि जब भी कोई बैंक खुलता है तो उस बैंक के लिए रूल होता है कि उसे टोटल जो बैंक की कैपिटल है, मान लीजिए किसी बैंक के पास 500 करोड़ रुपए है, तो उस 500 करोड़ रुपए को वो मार्केट में ब्याज पर नहीं देगा, उस पैसे का कुछ भाग वो अपने पास रिजर्व रखेगा, क्योंकि जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं वो बैंक में कभी भी जाके पैसे निकाल सकते हैं, अब बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो वो मुझे देंगे कैसे, तो बैंक को कुछ पैसे अपने पास हमेशा क्या रखने पड़ते हैं, जमा रखने पड़ते हैं ताकि वो लोगों को पैसे दे सके। तो यह जो पैसा बैंक अपने पास रिजर्व रखता है उसे कहते हैं एसएलआर। तो ऐसी कंडीशन होगी, जमा का वह भाग जो बैंक अपने पास रखती है, अधिमांग की स्थिति में इसको बढ़ा दिया जाएगा और अभावी मांग की स्थिति में इसको घटा दिया जाएगा। अब अधिमांग है तो इसको बढ़ाने से क्या होगा गुरु जी, अगर मान लो बैंक के पास पहले 100 करोड़ रुपए थे, अब अगर बैंक को 200 करोड़ कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पैसा तो बैंक के पास ही है। देखो पहले रूल ये था, मान लीजिए कि बैंक को 100 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये रूल था, हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर। तो बैंक जो 100 करोड़ रुपए होते हैं, है ना, मिनिमम राशि है ये बैंक किसी को लोन पे नहीं दे सकता, ये जो पैसा है ये बैंक किसी को लोन पे नहीं दे सकता है। और अब हमने इसको बढ़ा दिया कि तुम 200 करोड़ रखो अपने पास रिजर्व, आरबीआई ने फोन करके कह दिया एसबीआई को कि भैया 200 करोड़ तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा।
तो अब बैंक की 100 करोड़ की लोन पावर खत्म हो गई एक तरीके से। अब उसे 200 करोड़ क्या रखना पड़ेगा, अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। तो बैंक लोन कम देगा, और लोन कम देगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, और लोगों के पास पैसा कम जाएगा उधार यानी लोन कम लेंगे तो फिर मार्केट से ऐसी स्थिति खत्म हो जाएगी अति मांग की। और अगर अभावी मांग है तो हम क्या करेंगे, इसको डाउन कर देंगे। तो ये टॉपिक हो गया साख का नियंत्रण, या जो आपका यूनिट दो, उस यूनिट बैंक बीमा बैंकिंग में दो नंबर पॉइंट जो था मुद्रा स्फीति वाला, वो पूरा हो चुका है। अब तीसरा टॉपिक है आपका स्वयं सहायता समूह, आइए इसकी करते हैं शुरुआत। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी ना किसी ऐप पर, या फिर आप किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि वहां पर आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, यानी ये जो यूनिट है आपको कैसे करवाई है उन्होंने। मैंने ये यूनिट आपको सबसे पहले इसलिए करवाई है ताकि आप तुलना कर सको। शायद ही किसी कोचिंग में अभी ये यूनिट शुरू हो ही होगी रीटकी में, क्योंकि रीटकी जो जितनी भी कोचिंग हैं उनमें लगभग सभी में अभी तो क्या चल रहा होगा, जीके ही चल रहा होगा। तो जब भी आपको करवाए तो आप हम इस सेशन से तुलना कर लेना कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी में करवा दी गई है तो वो आप तुलना करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप यही तो होता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो अपनी सहायता क्या करते हैं, खुद करते हैं, ऐसे ग्रुप जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, यही तो अर्थ होगा इसका। अधी मांग को भावी मांग कहते हैं क्या, अधी हाँ भावी मांग कह सकते हैं बिल्कुल, अभावी मांग नहीं कहेंगे, भावी मांग कह सकते हैं बिल्कुल, अधी मांग को भावी मांग कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्वयं सहायता समूह, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो आप, जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो ना मेरा बहुत अच्छा लगता है यार, पूछा करो। ये जो ऐसे इधर उधर की बात करते हो ना बहुत सारे बच्चे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से हो और ये वो, उससे अच्छा आप क्वेश्चन पूछा करो, जैसे इस बच्चे ने पूछा है ना, बहुत अच्छा लगा लाधु क्या नाम है, लोभूलाल जाट, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड यार, मन खुश कर दिया। ये पूरा सेशन में आप अकेले बच्चे हो जो इन दोनों यूनिटों में जिसने पर्सन पूछा है ना, चाहे आपने कुछ भी पूछा हो लेकिन पूछा तो सॉरी, बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान अध्ययन जब शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी तो ओल्ड आरबीएससी करवा रहे हैं, ये पूरी हो जाएगी फिर करवाएंगे आपको। चलिए स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की बात करते हैं। स्वयं सहायता समूह अर्थात वो एक समूह है यानी एक ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप बना लिया, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, और इन पांचों लोगों ने क्या किया, एक एक हजार रुपए लिए। क्या लिए, पांचों लोगों ने एक एक हजार रुपए लिए, तो टोटल पांच लोगों के कितने हो गए, 5,000 रुपए हो गए। और ये 5,000 रुपए इन्होंने क्या कर दिए, बैंक में जमा करवा दिए और अपने एक समूह का नाम रख लिया, जैसे पार्वती स्वयं सहायता समूह, मालिनी स्वयं सहायता समूह, चुन्नू मुन्नू स्वयं सहायता समूह, एक्स वाई जेड कोई भी नाम रख सकते हो आप अपने सहायता समूह का, ठीक है। और उस नाम से आपने क्या करा, बैंक में खाता खुला दिया और ये पैसे वहां पर जमा कर दिए। अब मान लीजिए कि इस ग्रुप के अंदर रानी, मोहिनी, सीता, गीता, रिया है, सीता के घर पे काम हो गया कोई, जैसे सीता जो है वो चाहती है कि वो लोहागढ़ जी जाए, लोहागढ़ जानते हो आप सीकर में है, लोहागढ़ जी स्नान करने के लिए जाना चाहती है और उसके पास पैसे नहीं है और वो अपने सास ससुर को भी वहां पर ले जाना चाहती है, तो सीता ने
अपने ग्रुप को कहा, यानी जिस ग्रुप की ये सदस्य है स्वयं सहायता समूह की, उसको कहा कि यार मैं जो अपने सास ससुर को लोहागर जी स्नान कराने जा रही हूं और मुझे 2,000 रुपए चाहिए। ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप की एक टीम होती है यानी एक कमेटी होती है, कमेटी उसको सेंशन दे देगी यानी उसको पारित कर देगी कि भी ठीक है शालिनी को जो है वो 2,000 रुपए चाहिए, इसको दे दिए जाए और शालिनी को बैंक से 2,000 रुपए लाके दे दिए जाएंगे। अब शालिनी जी आराम से जो है अपने सास ससुर को लेके क्या करेगी, तीर्थ करवा के लेके आएगी लोहागर जी के। अब शालिनी जी घर पे आएगी और अगले महीने किस्त जमा करा देगी, है ना, अगले महीने क्या करेगी, 2,000 रुपए है उसकी किस्त तो अलग जमा करवाएगी वो, भाई वो कितने महीने में वापस देना चाहती है, 500-500 करके देगी तो 4 महीने लगेंगे, 1,000-1,000 करके देगी तो 2 महीने लगेंगे, वो जितना भी समय में देना चाहे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करवा लेगी, किस्त करवा लेगी और उसमें उसे ज्यादा ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, बैंक से भी कम ब्याज उसको देना पड़ेगा और उसे बैंक के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े, आपस में एक दूसरे की सहायता हो गई। इसी प्रकार गीता के घर में काम हुआ तो गीता ने लोन ले लिया, रिया के घर में काम हुआ तो रिया ने लोन ले लिया, यानी अपने 5 लोगों का समूह बनाया और आपस में पैसे का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके के समूह को क्या कहते हैं, हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं, जहां हम अपनी सहायता क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया, स्वयं सहायता समूह है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, स्वयं सहायता समूह पढ़ने से पहले, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो है वो, स्वयं सहायता समूह जो है वो किसका बना हुआ है, स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट जो आया है वो कहां से आया है, वो आया है आपका सहकारिता से। तो स्वयं सहायता समूह को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सहकारिता पढ़ना पड़ेगा कि सहकारिता जो है वो क्या है, और जब हम सहकारिता पढ़ेंगे तो हमारा पूरा मामला जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करणी माता किसका अवतार है, है ना, किसका अवतार है करणी माता, या करणी माता को किसका रूप माना जाता है। करणी माता अवतार अगर पूछते हो आप तो भैया करणी माता जो है वो, कुछ उनके अनुयायी ये मांगते हैं, मानते हैं कि ये हिंगलाज माता की जो है वो क्या है, अवतार है, और कुछ अनुयायी उसको ये मानते हैं कि ये जगदम्बा माता का जो है वो अवतार है। तो इस तरीके के कई इनके जो है वो अवतार माने जाते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सहकारिता क्या है, क्योंकि ये जो स्वयं सहायता समूह बने हैं ये सहकारिता अधिनियम के तहत बनते हैं। ठीक है, सहकारिता अधिनियम के तहत बनते हैं, तो सहकारिता से ही क्या बना है, सहकारिता का ही एक भाग है स्वयं सहायता समूह है। तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्वयं सहायता समूह पढ़ने से पहले सहकारिता की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आइए क्या होती है सहकारिता, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सहकारिता जो है इसका अर्थ होता है लोगों का, लोगों के लिए बनाया गया संगठन, लोगों का, लोगों का, लोगों के लिए बनाया गया संगठन क्या कहलाता है, सहकारिता कहलाता है। लोगों का, लोगों के लिए बनाया गया संगठन सहकारिता कहलाता है। मेन क्या हो गया कि लोग बड़े, देखो इस पे एक बहुत बड़ा जो है वो पीछे की कहानी है इसके, कि कोई भी सरकार आ जाए, चाहे ये भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, विश्व में
चाहे कितनी भी अच्छी सरकार क्यों ना आ जाए, हम सोचते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे देंगे तो ये हमारा भला कर देगी, इस पार्टी को वोट दे देंगे तो ये हमारा भला कर देगी। वास्तविकता ये है कि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर गरीब लोगों की कोई सहायता करे, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए। तो अब लोगों की सहायता करने वाले, ना तो सरकार उनकी पूर्ण रूप से सहायता कर पा रही थी, ना उनकी सहायता कोई बाकी लोग कर रहे थे, भी सरकार ही नहीं करी तो बाकी करेगा ही कौन। तो लोगों ने फिर क्या किया, अपनी सहायता खुद करने का निर्णय किया कि हम अपनी सहायता खुद करेंगे, हम अपनी सहायता खुद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आपस में लोग मिल गए, मोहल्ले मोहल्ले के लोग, जैसे एक मोहल्ला है कोई, जैसे आपने मोहल्ला तो जानते ही होंगे आप, शहरों में मोहल्ले, गांव में मोहल्ले होते हैं कि भाई ये इनका मोहल्ला है, ये ब्राह्मणों का मोहल्ला, या मालियों का मोहल्ला, सैनियों का मोहल्ला, है ना। इस तरीके से मोहल्ले के अंदर यानी जानकार लोग, जैसे 10-20 एक दोस्त है, 20 दोस्त मिल गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बना लिया 20 लोगों का, और 20 लोगों का ग्रुप बना के क्या किया कि इन्होंने तय कर लिया कि हम जो है वो इस ग्रुप में हर महीने 1,000 रुपए क्या करवाएंगे, जमा करवाएंगे। देखिए मिनिमम सदस्य तो 10 होने चाहिए, मिनिमम सदस्य कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, 10 से 20 तक के सदस्य हो सकते हैं इसमें, जो स्वयं सहायता समूह होता है उसमें 10 से लेकर 20 समूह हो सकता है, यानी मिनिमम 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य मिलकर स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं और बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं, राकेश कुमार जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मान लो 10 दोस्त मिल गए और उन्होंने तय कर लिया कि हम हर महीने इस ग्रुप में 1,000 रुपए जमा कराएंगे। तो शुरुआत में क्या होता था कि जैसे ये 10 लोग हैं, इनमें से एक लोगों को प्रतिनिधि बना दिया जाता था, एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता था, प्रतिनिधि, और ये सब लोग इसके पास जमा करा देते पैसा, ठीक है। पहले ये शुरुआत में बैंक में नहीं जाते थे, बैंक में तो बाद में गए थे, तो शुरुआत में क्या करते थे, स्वयं ही जो है वो पैसा रखते थे, अब किसी को जरूरत होती थी तो उसको पैसा उधार दे देते थे, और वो व्यक्ति फिर क्या होता था, धीरे धीरे वापस दे देता था। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता था कि जैसे बैंक में आप जाओगे पैसे लेना, किसी भी बैंक में अगर 10 का भी हो सकता है, मिनिमम 10 का हो सकता है, देखो मिनिमम 10 का हो सकता है, मैक्सिमम 20 का हो सकता है, 10 से 20 तक का हो सकता है, 15 का भी कर सकते हो आप, लेकिन 9 का नहीं हो सकता, 8 का नहीं हो सकता, 7 का नहीं हो सकता, 10 से 20 तक का कोई भी ग्रुप हो सकता है, 10 से 20 का कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब आपने कौन सी बुक में पढ़ा है मुझे पता नहीं है, लेकिन 10 से लेकर 20 तक का ग्रुप हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस स्वयं सहायता समूह बनाने से क्या हो गया कि पहले अगर मान लो मुझे पैसे की जरूरत है और मैं बैंक में जाता, बीओबी बैंक में गया, साहब मैंने लोन चाहे, मैंने 5,000 रुपये चाहिए, तो बीओबी बैंक कहेगा भैया 5,000 रुपये दे देंगे, तुम अपनी पत्नी के गहने ले आओ, अंगूठी ले आओ सोने वाली, और मेरे पास रख दो गिरवी, और मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा। तो आम जो गरीब लोग थे ना, सामान्य या गरीब लोग, उनको बैंक में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन स्वयं सहायता समूह बने तो उनको ये गिरवी रखने वाली समस्या मिट गई। अब उनकी आपस में 20 लोगों का ग्रुप है, वो खुद ही इनकी क्या कर देता है, सहायता कर देता है। कोई ज्यादा बैंक में तो बहुत ज्यादा लोन होता था, 11%, 12%, 15%, इनके यहाँ 2-5% का क्या लगता था, लोन लगता था, इंटरेस्ट लगता था, ठीक है। अब वो किस संदर्भ में लिखा है, वहां पर क्या लिखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे उसकी फोटो भेज देना, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि सहकारिता की शुरुआत कैसे हुई। तो इस तरीके से सहकारिता की क्या होती है, शुरुआत होती है, इस तरीके से सहकारिता की शुरुआत होती है। अब देखिए, लोगों का लोगों के लिए बनाया गया संगठन है, और इस
सहकारिता का सिद्धांत क्या है कि सभी एक के लिए और एक सब के लिए, यानी सब लोग मिलकर एक की सहायता करते हैं और एक व्यक्ति सबकी सहायता कर रहा है। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जैसे पांच लोगों का अपना ग्रुप है, अगर एक को कोई पीट जाएगा तो पांचों लोग क्या जाएंगे, उसका बदला लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो एक सबकी सहायता कर रहा है और सब एक की सहायता कर रहे हैं, तो ग्रुप का अर्थ यही होता है और यही सहकारिता का क्या है, सिद्धांत है। अब बात करते हैं कि विश्व में सहकारिता की शुरुआत कैसे हुई। विश्व में सहकारिता की शुरुआत यूरोप महाद्वीप से हुई। यूरोप में सबसे पहले सहकारिता का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, यूरोप में। यूरोप के अंदर देश है इंग्लैंड, और इंग्लैंड का एक उपनिवेश था जिसका नाम था वेल्स। क्या नाम था? वेल्स नाम था। इस वेल्स शहर पर जैसे इंग्लैंड का यानी अंग्रेजों का भारत पर क्या था, कब्जा था ना एक तरीके से, हम 200 वर्षों तक हमें गुलाम बना के रखा। इसी प्रकार हम भारत जो थे वो इंग्लैंड क्या क्या थे, उपनिवेश थे। इंग्लैंड हमें अपना उपनिवेश मानता था। इसी तरीके से एक और देश था जो कि उस टाइम इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था, वेल्स। और इस वेल्स में एक अंग्रेज अधिकारी था जो कहां से आया हुआ था, इंग्लैंड से आया हुआ था, जिसका नाम था रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था? रॉबर्ट ओवन था। और इसका जो कार्यकाल था वेल्स में वो 1771 से लेकर और 1785 तक था, 1758 तक था, 1785 से लेकर 1771 से लेकर और 1858 85 नहीं है 58 तक जो था इसका कार्यकाल था। इसने वेल्स में देखा कि जनता की, गरीब जनता की कोई सहायता नहीं कर रहा है, और अगर कोई सहायता करता है तो वो गरीब जनता की सहायता न करके उनका खून ही चूसता है उल्टा। तो इसने यहां पर देखा कि लोग जो है वो छोटे छोटे समूह बनाकर अपनी स्वयं सहायता कर रहे हैं, और इसी समय इन्होंने जो है वो क्या दिया, सहकारिता का कॉन्सेप्ट दिया, विचार दिया कि अगर 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 गरीब लोगों को अपना भला करना है, अगर सामान्य लोगों को अपना भला करना है तो उन्हें सरकार की तरफ न देखकर अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए, अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए, अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए, और इसके लिए उन्हें सहकारिता को अपनाना चाहिए। इन्होंने दिया विचार, क्या दिया इन्होंने, विचार दिया किसका, सहकारिता का। इसीलिए रॉबर्ट ओवन को विश्व में सहकारिता का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन को विश्व में सहकारिता का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या दिया, विचार दिया। इसके बाद रॉकडेल पायोनियन नामक एक अंग्रेज अधिकारी है जिन्होंने 1844 में रॉकलैंड सिद्धांत दिया। रॉकडेल एक और दूसरा अंग्रेज अधिकारी है, यही लंदन के अंदर जो है वो रॉकडेल पायोनियन, इन्होंने क्या दिया, सहकारिता का सिद्धांत दिया है। तो सहकारिता का सिद्धांत किसने दिया, रॉकडेल पायोनियन ने, और सहकारिता के जनक कौन है, रॉबर्ट ओवन। लेकिन इंग्लैंड में सहकारिता की प्रैक्टिकल शुरुआत नहीं होती है, केवल कॉन्सेप्ट आता है। इंग्लैंड में सहकारिता की प्रैक्टिकल शुरुआत जो है वो नहीं हो पाती है, यानी जमीनी तौर पर कार्य नहीं हो पाता है, केवल सिद्धांत आता है, और इस सिद्धांत को जर्मनी के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सबसे पहले सहकारिता व्यवहारिक रूप से कहां पर लागू हुई, तो जर्मनी में लागू हुई, और विश्व में सहकारिता का जन्म कहां हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। इस तरीके से आप जो है वो इसको याद करेंगे, जर्मनी के अंदर व्यवहारिक रूप से सहकारिता लागू होती है, और शहरी क्षेत्र में सहकारिता लागू की थी लूंज और डेलिस नामक दो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने, और ग्रामीण क्षेत्र पे जो है वो रेफेंस नामक अंग्रेज अधिकारी था जिसने ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता का विकास करने का प्रयास किया। ये तो विश्व में हो गया। ये तीन बातें याद रख लेना, इंग्लैंड याद रख लेना,
और सहकारिता का जो अधिकारी है यानी जो जनक है रॉबर्ट ओवन, याद रख लेना, बस इतना याद रख लेना। और एक बात यह याद रख लेना, जर्मनी में व्यवहारिक रूप से लागू हुई। अब देखिए भारत में एक सेकंड रुको, हाँ तो हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में जो सहकारिता की शुरुआत होती है वो होती है मद्रास से। ठीक है, मद्रास से कैसे होती है कि मद्रास के अंदर एक अधिकार एक समिति बनाई गई, फेडरिक निकोशन समिति, जो कि 1892 में बनाई गई। क्या बनाई गई? मद्रास के अंदर फेडरिक निकोशन समिति का गठन किया गया 1892 में। और इस समिति का कार्य क्या था, ये क्यों बनाई गई थी 1892 में समिति? इस समिति को कहा गया कि आप जो है वो जर्मनी जाएंगे और जर्मनी के अंदर जो सहकारिता लागू की गई है उसकी आप समीक्षा करेंगे। ध्यान से सुनो, मद्रास के अंदर फेडरिक निकोशन समिति का गठन किया गया और इसको एक कार्य सौंपा गया कि आप जर्मनी जाएं और जर्मनी के अंदर जो सहकारिता लागू हुई है उसका आप समीक्षा करें, उसकी आप जो है वो जांच पड़ताल करें, उससे आप देखें, उसका आप अवलोकन करें और आके रिपोर्ट दे कि सहकारिता से क्या लाभ हुआ है जर्मनी के लोगों को, सहकारिता कितनी सफल हुई है जर्मनी में। और यह कमेटी जो है वो फेडरिक निकोशन कमेटी जर्मनी के अंदर जाके सहकारिता की समीक्षा करती है और वहां से आकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1895 में। कब करती है ये? 1895 में अपनी रिपोर्ट देती है। इसको भारत जो उस टाइम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश इंग्लैंड को रिपोर्ट देती है, या फिर ऐसे समझ लीजिए भारत में उस समय जो शासक था उसको ये क्या देती है, रिपोर्ट अपनी जो है वो सबमिट करती है। अब इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए जो ये 1895 में रिपोर्ट दी गई, इसकी समीक्षा के लिए एक और जो है वो आयोग बनाया जाता है, एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग। इसको याद रखना, 1901 में बनाइए। ये ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये सबसे मोस्ट है। इसको ये कहा गया कि ये जो फेडरिक निकोशन समिति ने रिपोर्ट दी है सहकारिता की, तुम इस रिपोर्ट की समीक्षा करो कि ये रिपोर्ट कितनी जो है वो ठीक है और इस रिपोर्ट को हमें लागू करना चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में किस आयोग की सिफारिश पर सहकारिता को लागू किया गया? भारत में किस आयोग की सिफारिश पर 1901 में सहकारिता लागू हुई? तो आप बताएंगे एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग। ठीक है, और इस समय लॉर्ड कर्जन जो थे वो भारत में वॉइसराय थे, उनका कार्यकाल चल रहा था और इन्होंने सहकारी साख अधिनियम बनाया 25 मार्च 1904 को। सहकारी साख अधिनियम यानी कुछ रूल बनाए सहकारी समिति बनाने के लिए, कुछ रूल बनाए कि भाई अगर कोई सहकारी समिति बनती है तो उसको ये रूल जो है पालन करने पड़ेंगे। और इसी के तहत भारत में प्रथम सहकारी साख समिति बनी 1904 में मद्रास के काजीवरम में। कहां बनी? तो भारत में सबसे पहले सहकारिता कहां लागू हुई? मद्रास के कांजीवरम में लागू हुई। मोस्ट क्वेश्चन आपका। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में सहकारिता की स्थापना होती है 1904 में अजमेर से, और प्रथम प्राथमिक साख समिति बनी 1905 में थिनाय अजमेर में। इसके बाद भरतपुर में 1915 में, डिंग के अंदर, कोटा में 1916 में, बीकानेर में 26 में, अलवर में 34 में और जयपुर में 1944 में। अब आप कहोगे कि सर राजस्थान तो एक ही था, तो फिर अलग अलग कैसे?
राजस्थान तो अब आजादी के बाद एक हुआ है, पहले तो ये सारी क्या थी, रियासतें थी। अजमेर तो केंद्र शासित प्रदेश था आपको पता है, और बाकी कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, जयपुर रियासतें थी। तो इन अलग अलग रियासतों में अलग अलग समय जो है वो सहकारिता लागू की गई। ये है सहकारिता। और इस सहकारिता के तहत क्या बनते हैं, सहकारिता के तहत जैसे सहकारी दूध समिति है ना, दूध समिति अपने सहकारिता में चलती है, और इसी तरीके के से इन्हीं में आता है स्वयं सहायता समूह। अब बात करते हैं स्वयं सहायता समूह की। स्वयं सहायता समूह की देखिए, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में कहेंगे SHGS अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, अब समझना थोड़ा इसको, है ना। इसमें जो सदस्य संख्या है वो लिख लीजिए, सदस्य संख्या इसमें हो सकती है 10 से 20 तक। ठीक है, 10 से 20 तक हो सकती है। देखिए, स्वयं, पहले तो इसका परिचय देख लीजिए। स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। यानी स्वयं सहायता समूह लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है, अनौपचारिक ग्रुप होता है। औपचारिक तो कौन सा हो गया, जो कि कानून के तहत हो। ये अनौपचारिक ग्रुप होता है, एक ऐसा अनौपचारिक ग्रुप जो अपनी मर्जी से साथ आकर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक संगठन बनाता है। इसके लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता, इसके लिए किसी का आपन मारवाड़ी में कहने के कोई नोरा कौन काट जा, भाई आपनी मर्जी है। 5-7 लोग मिलके, 10 लोग मिनिमम चाहिए हमें, 10 लोग तो होना ही जरूरी है। 10 लोग मिलके आपनों कोई भी स्वयं सहायता समूह बना सका, आपनी मर्जी, आपने पर कोई दबाव को नहीं। ठीक है, तो क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों का अनौपचारिक संघ है जो अपने रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। एक जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले, जैसे मान लो अब थर्ड ग्रेड टीचर बन गया और थारी स्कूल में मैडम और मास्टर करके टोटल 10 स्टाफ, 10 लोगों का स्टाफ है, जब मैं 2 तो प्यून है, 4 मैडमा है और 4 जगह है वो क्या है, मान लो 2 तो पियोन है, हालांकि सरकारी स्कूल में 2 हुआ, कोने एक ही हुआ, एक मान लिया, एक पियोन है और 4 मास्टर नहीं है, और 4 मास्टर और एक प्रधानाचार्य जी है, तो 10 लोग हो। थे गुरु जी आप एक स्वयं सहायता समूह बना लिया, बोले हाँ बना लियो, तो कितना रुपया जमा करवाओगे बताओ, तो बोले अगर आप 2,000 रुपया जमा कराऊंगा, सगड़ा ते सहमत हो गया। अब जी ही थारी 1 तारीख ने सैलरी आई, सह लोग जो है वो जी हाँ बैंक में खातों खुला लिए एक थारो स्वयं सहायता समूह को। ठीक है, जब मैं सगड़ा का साइन हो गया थारा और बैंक बाद में क्या कर लियो, करंट अकाउंट खुला वो स्वयं सहायता को समूह, ठीक है खातों, तो करंट अकाउंट खुला गए और थे क्या कर लियो, तो मैं पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। हर महीने 10 लोगों का 10,000 रुपया जमा हो गया। अब मान लियो जी हाँ पियोन के बेटी की शादी है, तो वो क्या करा, वो कहे पैसा उधारा ले ले, वो ना तो मैंने की गिरवी रखना पड़े, ना बने ज्यादा ब्याज देना पड़े, ना बने बैंक का चक्कर काटना पड़े, कोई टेंशन गुण बने और धीरे धीरे आपका वापस दे देगो। तो यही तो बात कही गई है कि एक जैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले, यानी गरीब गरीब लोग मिल सके, मजदूर मजदूर लोग मिल सके, गवर्नमेंट कर्मचारी, यानी जखा का सागा आपनों मल मिले, भाई जखा पर आपने विश्वास हो भाई तो लोग मिलेगा, तो वे सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं और अपनी समस्याओं का स्वयं ही समाधान करते हैं। यानी अब थाने सरकार पर डिपेंड रहने की जरूरत को नहीं, थारी समस्या को खुद के कर सको, समाधान कर सको, भाई जीवन में सबसे बड़ी समस्या हुआ पीसेगी, और पीसेगी समस्या को समाधान हो गए, फिर कोई दिक्कत ही को नहीं आवे, को नहीं आवे नहीं।
समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? इनकी सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। और संजय जी कह रहे हैं कि सर आप सबसे अलग पढ़ाते हैं, भाई ये बताओ ठीक पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। मेन बात ये है कि पेपर में क्वेश्चन आना चाहिए, गुरुजी मान तो चाहे ठीक पढ़ाओ और चाहे माड़ा पढ़ाओ, क्वेश्चन आओगे यदि मार तो काम बनेगो, क्वेश्चन नहीं आए तो कोई काम गुण, मेरी जिम्मेदारी है भाई। टॉपिक जो पढ़ा दिया जाएगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी हो चाहे कैसे भी हो आपके टॉपिक को हर 100% कवर करना है, मेरी जितनी बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग। तो जो मेरा पीछे का अनुभव रहा है, रीट 2011 है, रीट 2012 है, जिसमें हमने तैयारी करवाई है, उस अकॉर्डिंग तो कमी नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल आपको मजा आएगा पेपर देते समय। SDH यानी स्वयं सहायता समूह सब रोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता समूह सेल्फ एम्प्लॉयिंग एम्प्लॉयमेंट की धारणा पर जो है भरोसा करता है, ठीक है। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य क्या होते हैं। इसका उद्देश्य होता है रोजगार और आय सृजन करना, रोजगार और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों तथा हाशिए पर पड़े लोगों के कार्यात्मक क्षमताओं का निर्माण करना। मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूं, इसको आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। ये थोड़ी किताबी भाषा है, इसको आप पढ़ना, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। देखो इसका पहला उद्देश्य तो क्या है कि यहां 5-10 लोग है घरे बैठे है बेरोजगार है, ठीक है। 10 लोग इकट्ठा कर लिया पैसा और बोले आपका कोई काम कर लिया, और आपकी कोई छोटी फैक्ट्री खोल ली दरी बनाने की, कोई जी हाँ मशीन ले आया, प्लास्टिक का कप बनाने की मशीन ले आया, और ऐसे तरीकों के करे आपको रोजगार सृजन कर ले। तो स्वयं सहायता समूह को एक उद्देश्य है रोजगार सृजन करना, दूसरा है सामूहिक नेतृत्व आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों का हल करना। हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का आपस में मिलकर ही क्या कर लेना, हल निकाल लेना। बाजार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय की गई शर्तों के साथ जमानत मुक्त ऋण प्रदान करना, यह सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी प्रकार की जमानत राशि नहीं देनी पड़ती है। जैसे बैंक से लोन लाते हो तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, यहां पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है। एक तो मार्केट्स की रेट से कम मूल्य पर आपको क्या मिलता है, ऋण मिलता है, प्लस आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है और आपका काम बन जाता है। संगठित स्रोत के आधार पर संगठित स्रोत से उधार लेने का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों के लिए सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। और यहां पर सब लोग क्योंकि एक ही स्थिति में है, एक ही आर्थिक स्थिति में है और एक दूसरे के जानकार है, तो सारे लोग ही एक दूसरे की क्या लेते हैं, गारंटी लेते हैं, तो उनको कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ता है। गरीब लोग अपनी बचत जमा कर बैंकों में जमा करते हैं और बदले में उन्हें अपनी सुरक्षा इकाई उद्यम शुरू करने हेतु कम ब्याज के दर पर ऋण आसानी से मिल जाता है, ठीक है। यानी गरीब लोग क्या करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं स्वयं सहायता समूह में, और फिर वहां से पैसे लेकर लोन लेकर, बैंक का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक में तो उनका कैश जमा रहता है स्वयं सहायता समूह का, लोन किससे लिया जा रहा है, स्वयं सहायता समूह से लिया जा रहा है, तो वहां पर उनको इंटरेस्ट जो रेट है वो कम लगती है। और देखिए स्वयं सहायता समूह की हमें आवश्यकता क्यों हुई, क्यों आवश्यकता हुई स्वयं सहायता समूह की हमें, क्यों हुई आवश्यकता। हमारे देश में ग्रामीण निर्धनता का एक कारण है ऋण और वित्तीय सेवाओं तक उचित पहुंच का अभाव। आज भी हमारे ग्रामीण देश जो इलाके हैं वहां पर बैंकों का अभाव है, बैंकों की गांव तक अभी भी पहुंच कम है। हालांकि जनधन के आधार जनधन में जो खाते खुले उससे काफी हद तक इसको कवर किया गया, लेकिन फिर भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंक की पहुंच कम है
और ग्रामीण क्षेत्रों में लोन भी कम दिया जाता है, जिसके कारण ग्रामीण जो लोग हैं वो बड़ी विपदा में रहते हैं। बारिश होने के बाद किसान बड़ा टेंशन में हो जाता है कि ट्रैक्टर वाले को पैसे कहाँ से दूंगा, बीज कहाँ से लाऊंगा, मुझे कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो वो फिर क्या करता है, गांव के अंदर जो धन्ना सेठ होते हैं, लाला होते हैं, उनसे पैसे उधार लेते थे। और लाला आपको पता है, पुरानी फिल्मों में देखा ही होगा, लाला कितना ज्यादा ब्याज लेता है ना, चक्रवर्ती ब्याज लेता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए स्वयं सहायता समूह की क्या है, आवश्यकता है। दूसरा, वे गरीबों को ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं और इस प्रकार गरीबी उन्मूलन महत्वपूर्ण भूमिका। ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये गरीबी को मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तीसरा, वे गरीब विशेषकर महिलाओं के बीच सामाजिक पूंजी, स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं का बड़ा सहयोग दिया। जो महिलाएं पहले घर के कामों में उलझी रहती थी और आर्थिक, देखो बेचारी घर, महिलाओं की स्थिति देखो, आजकल तो चलो महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ चुकी है और उनकी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होने लगा है, लेकिन पहले की जो हमारी दादी होती थी, माँ होती थी, अनपढ़ होती थी, पति पैसे देता था उसी से काम चलाना पड़ता था, खुद घर के काम में ज्यादा समय देती थी और उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए हमेशा पैसे की कमी रहती थी। लेकिन जब से स्वयं सहायता समूह शुरू हुए, महिलाओं ने, पड़ोस की 10 महिलाएं इकट्ठी हो गई और केरे लिया, केरी 10 महिलाएं इकट्ठी हो गई, ग्रुप बना लिया, हजार हजार रुपए जमा किए, केरी ले आई, 50 किलो केरी, उसका मसाला लेके आ गई, अचार का, नमक, मिर्च, कलुंजी वगैरह, और 40 किलो 50 किलो केरी का अचार बना लिया, अचार को डिब्बों में डाला और बेच दिया उसको। 5,000 रुपए लागत आई, 7,000 रुपए रिटर्न हुए, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपस में बांट लिया 10 महिलाओं ने, प्रॉफिट आपस में बांट लिया 200-200 रुपए 10 महिलाओं ने, घर पे बैठे बैठे कमाई। इससे क्या हुआ, महिलाओं का उत्थान हुआ आर्थिक तौर पर। और जब महिलाओं ने देखे ऐसे छोटे छोटे कार्य किए, अचार बनाने का कार्य, पापड़ बनाने का कार्य, दरी बनाने का कार्य, है ना, और इससे क्या हुआ, अब पुरुष के साथ महिलाएं भी आय सृजन करने लगी, जिससे क्या हुआ, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। इसलिए आवश्यकता हुई किसकी, महिला स्वयं सहायता समूह की। सब रोजगार के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता में कई बाहरी पहलू भी शामिल है, जैसे कि साक्षरता स्तर में सुधार। अब देखो स्वयं सहायता समूह की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि इससे साक्षरता बढ़ेगी लोगों में, भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा इसमें बेहतर कार्य कर पाएगा। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह है, इसका महत्व क्या है, SDH ने दहेज, शराब आदि जैसी प्रथाओं को, कुप्रथा कहना चाहिए, कुप्रथाओं का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास किया। अब हर गांव में समूह बन गया। अब मान लो एक महिला है और उसकी बेटी की शादी है और वो एक ग्रुप से जुड़ी हुई है ना, और तो जिस लड़के से वो शादी कर रही है अपनी बेटी की, लड़के ने कहा माता जी मन तो देज में रॉयल इनफील्ड चाहिए 3 लाख आ रही। अब लड़की की मां परेशान, बेचारी स्वयं सहायता समूह में गई, बोले मन तो 3 लाख रुपया और लोन दियो। बोले के बात हुई, बोले क्या के छोरी को रिश्तो करियो यार, और मारे तो बटाऊ कह, मैं तो मोटरसाइकिल ले सू, आ मोटरसाइकिल ले सू 3 लाख आ रही, तो मोटरसाइकिल तो देनी पड़ेगी। तो सब महिलाएं इकट्ठी हो गई 20 की 20। बोला तो गलत बात है, मोटरसाइकिल तो तू दे, मैं तो रोका को नहीं, लेकिन वो दहेज मांगे, आज तो मोटरसाइकिल मांगे, कल वो कार मांगे, वो तो क्या करा, मैंने सबक सिखा सा गया। महिला के साथ खड़ी हुई और दहेज प्रथा, ये शराब जैसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन मिला गांव में, क्योंकि अकेला व्यक्ति डर सकता है, अकेला व्यक्ति कमजोर पड़ सकता है, लेकिन जब 20 महिलाएं एक साथ हो जाए ना, तो गांव में ठेके बंद करवा देती है, ये गांव में ठेके बंद करवा देती है, बहुत सारे गांव में ठेके बंद करवाए इन्होंने।
स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, उनके नेतृत्व कौशल को विकसित करना, अधिकार प्राप्त महिलाएं ग्राम सभा व अन्य चुनाव में अधिक सक्रिय होने लगी। अब इस देश के साथ साथ अन्यत्र भी यहां कई प्रमाण मिले हैं जहां स्वयं सहायता समूह से महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, उनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति में सुधार आया है। सरकारी योजनाओं का भी इनको जो अच्छा खासा लाभ, अब तो सरकार भी, अब तो बैंक भी स्वयं सहायता समूह को लोन देने लगा है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह है, हम SBI बैंक से बोल रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, हम आपको सस्ता लोन दे रहे हैं, लेना चाहते हो? क्योंकि बैंकों को पता चल गया कि स्वयं सहायता समूह में अच्छी कमाई है और उनको हमें लोन दे सकते हैं, वापस रिटर्न आ जाएगा। इस तरीके से स्वयं सहायता समूह ने देश के अंदर जो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जो है वो क्या किया है, उत्थान किया। अब इनकी कुछ समस्याएं भी है। समस्याएं क्या है? कौशल के उन्नयन का अभाव। अब जो स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं वो ग्रामीण लोगों ने बना रखे हैं, जिनमें बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, कौशल की कमी है। अगर मान लो गांव में महिलाओं को प्रशिक्षण दे दिया जाए सिलाई का, अचार बनाने का, बिस्किट बनाने का, है ना, प्रशिक्षण दे दिया जाए तो और अच्छा किया जा सकता है। तो पहली समस्या क्या है? कौशल का अभाव है। तो गांव के अंदर क्या हो, कौशल डेवलपमेंट किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा क्या है? कमजोर वित्तीय प्रबंधन। अब ये जो महिलाएं हैं 20 लोगों का या 15 लोगों का जो समूह बनती है, उनमें मैनेजमेंट थोड़ा कमी है, क्योंकि शिक्षा का अभाव जैसी समस्या है और इनको मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ये समस्या है। डिटेल में आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधा, इनको प्रशिक्षण पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, विशेष रूप से महिला के बीच जो स्थिरता और एकता की कमी है। आपस में बहुत सारी महिला बैली हो जानी, कई कई बार लड़मर आपस में, क्यों तो ज्यादा जानी है ये, है ना, देर जीती तो मैं जानूंगा, तू जी तो आटो खाए, अभी तो तुम्हें नून खा ली हो गए, मन ना सिखा, यहां करके आपस में बैठ के लड़ जे, और लड़ता ही स्वयं सहायता समूह है टूट जा। अब मान लो 10 सदस्य मिनिमम चाहिए और एक जो लेडीज लड़के चली जाए तो नो होता है, स्वयं सहायता समूह चलेगा नहीं। तो आज थोड़ी सी समस्या ये भी है कि अस्थिरता है, एकता की कमी है, तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। अपर्याप्त वित्तीय सहायता, हालांकि अब तो बैंक सहायता करने लगा है, सरकारी योजनाएं भी आ गई है बहुत सारी, लेकिन फिर भी वित्त की इनके पास जो है कमी रहती है। महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, है ना, और इससे इनको बहुत फायदा हो रहा है। डिटेल में आप पढ़ लेना, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया, यूनिट आपकी पूरी हो गई, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अब इन दोनों यूनिटों को पूरा हमने कर लिया है, जो कि आपकी किससे जुड़ी हुई है, जो कि आपकी मुद्रा और बैंकिंग से जुड़ी हुई है इसको। अब नेक्स्ट जो अपनी यूनिट हम शुरू करेंगे वो कौन सी करें आप बताओ, आपके पास सिलेबस है? अगर आपने सिलेबस देखा है तो बताओ मुझे, वरना मैं सिलेबस निकाल लेता हूं। देखो, हमने जो आपकी सबसे कठिन यूनिट थी, जिस यूनिट को पढ़ने के लिए आप सोचते थे कि यार कोचिंग जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था करा दी। एक बच्चा ये कह रहा था कि सर भारतीय अर्थव्यवस्था तो सिलेबस में नहीं है, कमेंट कर रहा था, वो कमेंट किया था उसने अपने वीडियो पे, क्लास पे। तो उस बच्चा अगर वो लाइव है या इस सेशन को देख रहा है तो बता देता हूं, आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक बिल्कुल है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो हमें GK में पढ़नी है, यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था SST में है। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर ली है, मुद्रा और बैंकिंग हमने कंप्लीट कर दी है, कल पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता एवं उपभोक्ता के उसके अधिकार पढ़ेंगे। फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को पढ़ेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय विकास पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, मानव विकास पढ़ेंगे। इसके बाद राजस्थान में कृषि और विपणन पढ़ेंगे, कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी लगभग यूनिट पूरी हो जाएगी, फिर ऊपर वाला GK वाला पार्ट रहेगा। GK वाले पार्ट में आपका रहेगा प्राचीन भारत सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी वायुमंडल महासागर, संसार की वनस्पति, राजस्थान में कृषि, विश्व में कृषि, भारतीय संविधान और सरकार का गठन और स्थानीय शासन, भारतीय लोकतंत्र।
यानी देखो मेरा टारगेट है कि रीट लेवल सेकंड प्लस रीट लेवल फर्स्ट हम कंप्लीट जो सिलेबस है इंक्लूड शिक्षण विधियां राजस्थान जीके हिस्ट्री वगैरह करके और एसएसटी करके और रीट लेवल फर्स्ट का भी पूरा पार्ट करके रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में तीन क्लास चार क्लास से कॉमन चलेगी। हिस्ट्री की क्लास कॉमन चलेगी, ज्योग्राफी की क्लास कॉमन चलेगी एंड आर्ट कल्चर की क्लास कॉमन चलेगी एंड और क्या बच गया पॉलिटी की क्लास कॉमन चलेगी, मनोविज्ञान की क्लास कॉमन चलेगी, ठीक है, करंट अफेयर की क्लास कॉमन चलेगी। अलग क्लास कौन सी चलेगी? एक तो ये वाली एसएसटी की क्लास अलग चलेगी, एक रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो विद्यालय विषय है उनकी क्लास अलग चलेगी। बाकी सारी क्लासेस तो कॉमन ही है क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है सारे। तो टारगेट है कि अपन 11वें महीने की 1 तारीख से पहले पहले अपन कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। यानी अपने पास 2 महीने यानी 60 दिन है और एक दिन में हम 5 क्लासें कर रहे हैं, 60 दिन यानी 60 × 5 = 30 और 30 के आगे एक जीरो लगा दो 300 घंटे। तो हम 300 घंटे में ये पूरा सिलेबस जो है वो कर लेंगे, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और फिर अपने पास 2 महीने बचेंगे, नवंबर और दिसंबर, उसमें अपन रिवीजन करेंगे और जनवरी में पेपर देंगे और निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करेंगे। और वो बच्चे जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं अपनी आर्थिक समस्या के कारण या सामाजिक समस्या के कारण, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन कोचिंग में पढ़ के जो बच्चा करेगा उससे 2 क्वेश्चन आप ज्यादा करेंगे। अगर कोचिंग वाले के 150 नंबर आएंगे तो आपके 150 से 2 नंबर ज्यादा आएंगे, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। यानी किसी भी कदम पर किसी भी हालत में कोचिंग वाले से पीछे आप नहीं रहेंगे और जब पेपर देके निकलेंगे तो आप उनसे 1 कदम आगे होंगे। ये जिम्मेदारी है हमारी, बाकी आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी, आपकी सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी।